तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए तीन बिल्कुल नई आई हिंदी में डब्ड कोरियन ड्रामा सीरीज लेकर आ गया हूं, जिसे आप बिल्कुल फ्री में और बड़ी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही ड्रामास इसी वीक अमेज़न के मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। तो आप इन ड्रामास को देख सके इसके लिए बस आपके मोबाइल पर अमेज़न का शॉपिंग ऐप होना चाहिए और आप इन ड्रामास को वहां पर हिंदी में और बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। तो ये ड्रामास कैसी हैं, आपको इसे देखना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर चले बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ये ड्रामा ओरिजिनली 2019 में आई है, पर अब इसे हिंदी में डब करके अमेज़न मिनी टीवी पर रिलीज कर दिया गया है, जो एक थ्रिलर मिस्ट्री मेडिकल ड्रामा है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए एक घंटे के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अगर आप मेडिकल ड्रामा जिसमें सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री भी हो देखना पसंद करते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब अगर बात करो इस सीरीज की बेसिक प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है जुंग यून की, जो एक टैलेंटेड मेडिकल डॉक्टर है, जिसके लाइफ में अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो यूडीसी यानी अनडायग्नोस्ड डिजीज सेंटर ज्वाइन करती है और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कारण आए पेशेंट्स का इलाज करने और उस एक्सीडेंट के पीछे बैठे बड़े पावरफुल लोगों की सच्चाई को उजागर करने में लग जाती है। और जुंग यून का इस सच्चाई का पता लगाने में उसके साथ है डॉक्टर ह्यू मिन की। और ये सीरीज बेसिकली जुंग यून के इन्हीं सारी बातों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने और इस दौरान हुए एक्सीडेंट्स की कहानी है। तो अगर आप मेडिकल ड्रामा के साथ एक डिटेक्टिव वाली वाइब लेना चाहते हैं जिसमें थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा ये सब हो, तो आप इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देख सकते हैं, जिसे IMDb ने 6.9 और माई ड्रामा लिस्ट ने 7.7 की रेटिंग दी है। तो ये कोरियन ड्रामा ओरिजिनली 2022 में ही आई है, पर अब इसे हिंदी में डब करके अमेज़न के मिनी टीवी पर रिलीज कर दिया गया है। अब अगर बात करूँ इस सीरीज की, जो एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस और मिस्ट्री जॉनरा की सीरीज है, जिसमें आपको कॉलेज लाइफ और लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है। और अब अगर आपको थोड़ा इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है दो हाई की, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, पर उसके पुअर फैमिली बैकग्राउंड के कारण वो अपने स्कूल से ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस करती है। पर वह एक दिन अचानक से अपने स्कूल के चेयरिंग स्क्वाड को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ भी वो बस पैसे के लिए गई है, लेकिन वहाँ कर उसे असली कैंपस लाइफ के मजे, नए नए लोगों से दोस्ती, बॉन्डिंग, लव, इन सभी चीजों का एहसास होता है और उसकी लाइफ मानो पूरी तरह से बदल जाती है। और ये वेब सीरीज दो हाई के इन्हीं सारे चीजों के बीच उसके ग्रोथ और इस दौरान हुए इंसिडेंट्स के बारे में है, जिसमें आपको रोमांस और इसमें लव ट्रायंगल, ह्यूमर्स और मिस्ट्री भी देखने को मिलती है। और इसे IMDb ने 6.9 और माई ड्रामा लिस्ट ने 7.5 की रेटिंग दी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक मेडिकल लाइफ के राउंड बनी कोरियन ड्रामा है। तो अगर आप इस जॉनरा की सीरीज देखना पसंद करते हैं जिसमें एक सीरियस स्टोरी लाइन देखने को मिलती हो और साथ ही इसमें थ्रिलिंग एलिमेंट्स भी हो, तब आप इस वेब सीरीज को जरूर देख सकते हैं। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको इसे पूरा देखने के लिए एक घंटे के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। और ये सीरीज बेसिकली कहानी दिखाती है एक हॉस्पिटल के थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट की, और उसमें भी बेसिकली तीन लोगों, पार्क ताइसो, चोई सियो खान और यून सो योन के अराउंड घूमती है। पर जैसा कि मैंने बताया कि एक सीरियस ड्रामा है, तो आप इसमें कॉमेडी ड्रामा और फन वाले एलिमेंट्स बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये सीरीज केवल उनके लिए जो एक अच्छा सीरियस और थ्रिलिंग मेडिकल ड्रामा देखना पसंद करते हैं। और आपको इसमें अच्छी स्टोरी लाइन और एक्टिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स की स्ट्रगल्स और डॉक्टर्स का एक छोटा सा डिसीजन सब कुछ कैसे बदल सकता है और कैसे किसी डॉक्टर को एक सीरियस डिसीजन लेने के लिए अपने इमोशन को दरकिनार करना पड़ता है, ये सब और भी बहुत कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो अगर आप सर्जरीज, मेडिकल लाइफ और इसके अराउंड बनी एक थ्रिलिंग सीरीज देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे जरूर देख सकते हैं। और इस ड्रामा को IMDb ने 7.4 और माई ड्रामा लिस्ट ने 8 की रेटिंग दी है। हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।